तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब भी हम कोई तस्वीर एडिट करना स्टार्ट करें। जो की है एक अच्छी एडिटिंग की, वो ये होती है कि आपकी एडिटिंग ज़्यादा ओवर द बोर्ड ना हो, जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स, बहुत ज़्यादा कलर्स, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स नहीं होने चाहिए आपकी पिक्चर के अंदर। पिक्चर जितनी सिंपल होगी उतनी ही नेचुरल लगेगी और उसी हिसाब से अपने एडिट करें। तो ये जो पिक्चर्स मैंने एक रिसेंटली एक शूट किया था, एक छोटा सा शूट, ये उसकी पिक्चर्स हैं। सो हम इसमें से एक लेंगे, कोई ऐसी पिक्चर जिसको अभी मैंने स्टार्ट ना किया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये एक सिंपल सी पिक्चर है, इसमें ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है। एक चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि ये पिक्चर थोड़ी डार्क है। तो ये एक बेसिक तरीका है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फोटोग्राफी कर रहे हों जब आपकी लाइटिंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हों, मींस कुछ एरियाज़ बहुत डार्क हों, कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट हों, तो एक बेसिक रूल ऑफ थंब है कि आप हमेशा थोड़ा सा अपनी पिक्चर को अंडर एक्सपोज कर दें बाय हाफ स्टॉप और वन स्टॉप। वो इसलिए कि डिजिटल कैमराज जो हैं वो आपके ब्राइटर पार्ट्स को इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते जितना आपके डार्कर पार्ट्स को हैंडल करते हैं। मतलब ये कि आपकी तस्वीर अगर एकदम थोड़ी सी डार्क भी आएगी तो कोई मसला नहीं है, लाइट रूम में आप उसका एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, आप उसमें डिटेल्स जो हैं रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तस्वीर का कोई पार्ट ज़्यादा ब्राइट होगा तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में जैसे ये तस्वीर भी है, तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें कि अपनी तस्वीर को थोड़ा सा अंडर एक्सपोज रखें, थोड़ा सा डार्क रखें, ताकि आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान इसको रिकवर करने में आसानी हो। तो हम इस तस्वीर को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो मेरी अप्रोच होती है किसी भी तस्वीर को एडिट करते हुए, सबसे पहले आप देखें कि आपका होराइज़न स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये पहली चीज़ है जो नॉर्मली लोग जो है वो नोटिस करते हैं। सो इस तस्वीर में आप देखें कि होराइज़न थोड़ा सा क्रॉप्ड है, तो इसके लिए आप क्रॉप टूल में जाएँ, इनका एंगल टूल लें, और इसका तरीका ये होता है कि आप कोई भी ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, उस पर लाइन ड्रॉ करें, ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेट कर देगा। तो अब ये तस्वीर जो है ये प्रेटी मच स्ट्रेट है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो फ़ौरन मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि इसके लेफ्ट टॉप एज पे मुझे कुछ ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं। तो ये अगेन ये चीज़ है जिसको करेक्ट होना चाहिए, और ये वाली करेक्शन आप अपनी एडिटिंग से पहले स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ जब आप एंड में इसको करेक्ट करेंगे तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, लाइटरूम इन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम ये स्पॉट रिमूवल टूल लेंगे। सिंपल सा बैकग्राउंड है, इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइटरूम इसको ईजिली जो है वो रिमूव कर देगा। सो ये हो गया बेसिक स्ट्रेटनिंग हो गई, इसके एजेस मैंने करेक्ट कर लिए। नाउ अब हम आते हैं एक्सपोजर की तरफ। तो जैसे कि ये एक थोड़ी सी स्लाइटली अंडर एक्सपोज पिक्चर है, तो आप शेडोज से स्टार्ट करें। जैसे आपने देखा कि शेडोज़ जो है वो सिर्फ डार्कर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है, तो ब्राइटर पार्ट्स को कुछ नहीं होता। तो ये तस्वीर आप प्रिटी मच इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर और इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन ये ठीक हो चुकी है। अब और क्या तरीके हो सकते हैं? राइट नाउ मुझे इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो पानी है वो ब्लू कलर का है, और मुझे ये फील हो रहा है, मेरी गट फीलिंग है कि अगर मैं इस ब्लू को थोड़ा सा और सैचुरेट करूँ और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा पॉप करूँ तो ये तस्वीर अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए हम HSL पैनल यूज़ कर सकते हैं। HSL में चूँकि ब्लू ऑलरेडी काफ़ी डार्क लाइट है, तो उसको मुझे थोड़ा सा पहले डार्क करना पड़ेगा ताकि मैं इसको आराम से सैचुरेट कर सकूँ। तो इसके लिए हम ये इसका ये ड्रॉपर टूल यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो ब्लू कलर जो आपने डार्क करना है आप उस पर सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू चेंज करें। तो ये अब ब्लू जो है वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कलर इसमें आ चुका है। नाउ जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि अब जो कलर आ चुका है उस कलर की सैचुरेशन हमें बढ़ानी है। तो अगेन ये ड्रॉपर टूल लेकर अब मैं उसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। तो नाउ अब आप देखेंगे इसमें काफ़ी कलर आ चुका है। थोड़ा सा अगर आप इसको एक स्पेसिफिक कलर टोन देना चाहते हैं, ऑरेंज स्टील का लुक चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इस ब्लू को शिफ्ट कर दें थोड़ा सा एक्वा की तरफ और सी ग्रीन की तरफ। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा सी ग्रीन की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो ये HSL पैनल जो है, यू सैचुरेशन ल्यूमिनेंस, ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप जो है अपने कलर्स को जो है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन शेड टू अनदर, आप इनकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं, और आप ऑफ कोर्स इनकी सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं। इस
पिक्चर में मैं इसलिए इतने आराम से HSL टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये पिक्चर बड़ी सिंपल है। मेरे किसी एक कलर को मूव करने से स्किन टोन्स पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, या किसी एक कलर को मूव करने से किसी और ऑब्जेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो HSL पैनल को यूज़ करते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि आपके कलर को शिफ्ट करने से कोई और चीज़ अपने नेचुरल शेड से हट ना जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी येलो ऑब्जेक्ट को या ऑरेंज ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं और उसके चेंज करने की वजह से आपकी स्किन टोन्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएँ, वो अननेचुरल हो जाएँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप HSL पैनल यूज़ करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं इसलिए इतने आसानी से इस पिक्चर में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ ये पिक्चर बड़ी सिंपल है। सो, इसके बाद अब जो चीज़ मुझे फील हो रही है कि चूँकि इसके एजेस बहुत ज़्यादा लाइट हैं तो प्रॉपर अटेंशन नहीं आ पा रही है सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसके लिए हम थोड़ी सी वर्नियरिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं नॉर्मली अपने रेडियल फिल्टर को यूज़ करता हूँ अपनी वर्नियरिंग के लिए बिकॉज ये ज़्यादा पावरफुल टूल होता है और ये मुझे ज़्यादा कंट्रोल देता है। रेडियल फिल्टर में सिंपल सा वो है कि आप कोई भी इफेक्ट इसमें दें, अगर आप इन्वर्ट मास्क सिलेक्ट करेंगे तो इफेक्ट अप्लाई होगा सर्कल के अंदर, अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो बाहर होगा। तो अभी मैंने जैसे एक्सपोजर कम करके दिखाया है तो ये बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं एक्सपोजर से इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं बेसिकली इसको शेडोज से करूँगा बिकॉज इफेक्ट थोड़ा सटल होना चाहिए। इसने नीचे किया है, मैं चाहूँ तो ऊपर से भी कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि ऊपर से मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत फ्लैट बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल ही एक आर्टिफिशियल ग्रेडियंट वाला लुक आएगा। सो ये बेसिक एडिटिंग है, ये आप फुल स्क्रीन में देख लें, ये यहाँ तक जो है ये एडिटिंग इसकी इन टर्म्स ऑफ कलर एक्सपोजर ये बहुत अच्छी है। कुछ और चीज़ें मैं कर सकता था, मैं मेरे पास अगर फोटोशॉप होता तो मैं यहाँ से ये जो बाउंड्री पिलर्स हैं मैं इनको रिमूव कर सकता था, पीछे कपल है मैं इसको भी रिमूव कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा क्योंकि एक तो इसमें एफर्ट ज़्यादा चाहिए, प्लस मैं चाह रहा हूँ कि तस्वीर जो है जितनी ऑर्गेनिक रहे उतना अच्छा है। तो ये एक बेसिकली जो है मेरा एक मेरी अप्रोच है कि मैं तस्वीरों को इस तरह से एडिट करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइटरूम में हर सेक्शन को यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर स्लाइडर को जो है वो यूज़ करूँ, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें जो आपको लग रहा है कि उनसे सिलेक्टेड जगहों पर इम्पैक्ट पड़ेगा और तस्वीर अच्छी होगी। सो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर एंड आफ्टर है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है इस पिक्चर में आफ्टर एडिटिंग। सो ये मेरी पहली बेसिक वीडियो थी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। एनीवे ये मेरी एक नई सीरीज़ है और इस पर मैं अब और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। सो दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ द फाइनल रिटच। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।